भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 135 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या के साथ भारत कई क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रहा है। बड़ी जनसंख्या होने के कारण भारत पर ढेर सारे संक्रामक और विषाणु जनित बीमारियों का हमला हुआ। भारत ने अपनी इच्छा शक्ति और सुदृढ़ हेल्थ सिस्टम से वैक्सीन और दूसरे इलाजों का उपयोग करके लगभग सभी बीमारियों पर काबू पा लिया है, जिसका तादृश उदाहरण है कोरोना वायरस महामारी। लेकिन एक बीमारी भारत में ऐसी है जिस पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है और वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। भारत उस बीमारी का वर्ल्ड कैपिटल बनने की ओर जा रहा है और वह बीमारी है टाइप 2 डायबिटीज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक डायबिटीज दुनिया में मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। विश्व में 422 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जिसमें 6 लोगों में से एक भारत का नागरिक है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक भारत में 2019 में 77 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित थे, जो 2045 तक 134 मिलियन होने जा रहे हैं, यानी 23 सालों में लगभग आज से दोगुने लोग डायबिटीज से पीड़ित होंगे। डायबिटीज की वजह से लोग क्वालिटी लाइफ नहीं जी सकते हैं और शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से बर्बाद हो रहे हैं। लोग जीवन भर दवाइयां खाकर भी स्वस्थ नहीं होते हैं, बल्कि रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी के शिकार होते जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न चल रहा होगा कि इतनी गंभीर बीमारी से मुक्ति का है कोई इलाज? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस डायबिटीज को जड़ से खत्म करें और खुशहाल जिंदगी जिए? बिल्कुल हो सकता है, इलाज है। बेनमून आयुर्वेदा प्रस्तुत डायबिटीज रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल। डायबिटीज रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को देश के सामने प्रस्तुत किया है देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दिनेश काचा जी ने। डॉक्टर दिनेश काचा का विजन है भारत देश को डायबिटीज मुक्त बनाने का, लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का, डायबिटीज को संपूर्ण रिवर्स कर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बरकरार रखने का। आइए अब जानते हैं डायबिटीज होने का कारण क्या है। जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। पाचन क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज यानी शुगर में कन्वर्जन होता है और वो ग्लूकोज ब्लड में सर्कुलेट होता है। ब्लड के माध्यम से ग्लूकोज पैंक्रियाज तक पहुंचता है और पैंक्रियाज ब्लड में रहे ग्लूकोज के अनुपात के अनुसार इंसुलिन ब्लड में छोड़ता है। इंसुलिन शुगर को हमारे शरीर के कोष में पहुंचाने के लिए चाबी का काम करता है। इंसुलिन की चाबी से खुले कोष में ग्लूकोज ट्रैवल करके कोष के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है और वहां से ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होकर पूरे शरीर को शक्ति देता है, जिससे हमारे शरीर के सारे आंतर और बाह्य अंग चलते हैं। लेकिन जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना लेते हैं तब इंसुलिन सेल के रिसेप्टर को रेजिस्ट हो जाता है। रेजिस्ट का मतलब यह है कि इंसुलिन का कार्य है ग्लूकोज को ब्लड से सेल के अंदर तक पहुंचाना, लेकिन जब वो कार्य पद्धति भूल जाता है, इससे जो ग्लूकोज सेल में जाना चाहिए वो ब्लड में ही रहता है। उसी कारण से जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो ग्लूकोज का प्रमाण ज्यादा आता है और जिसे हम शुगर की बीमारी या डायबिटीज कहते हैं। तो डायबिटीज टाइप 2 का मुख्य कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंट। दोस्तों, हमने देखा जो टाइप 2 डायबिटिक का मेन कल्प्रिट है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की थीरी 1989 में डॉक्टर जेराल्ड रेवन करके एक कैलिफोर्निया में एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक थीरी बताई और ये थीरी के बाद जो डायबिटिक टाइप 2 का जो ट्रीटमेंट है उनका आस्पेक्ट ही
टोटली चेंज हो गया। लेकिन हमारा जो आयुर्वेद है, 5000 साल हमारा आयुर्वेद है, उसमें भी कई चीज़ें जो अभी जो इंसुलिन रेजिस्टेंट होने का जो रीज़न बताते हैं वो 5000 साल पहले सेम रीज़न चरक संहिता में बताया गया था। तो उसका एक बहुत ही एक प्रचलित इनका श्लोक है, आसिया सुखम सपन सुखम दधिनी ग्राम्य उदक अनुपरसाह पयासी नवान पान गुड वेकृतम च प्रमेह हेतु कफ कृच सर्वम आसिया सुखम, यानी कि सेडेटरी लाइफ। सपन सुखम यानी कि ज्यादा नींद लेना। दधिनी यानी कि दही, आज से 5000 साल पहले बताया गया था कि दही और श्रीखंड उनकी वजह से भी ये इंसुलिन रेजिस्ट होता है। ग्राम्य उदक अनुपरासाहा यानी कि जो मीट रहती है, जो पानी की मछलियाँ रहती है, ये उसके बाद जो मटन रहता है, बीफ रहते हैं, उनके ज़्यादातर जो सूप पीते हैं उनको भी ये इंसुलिन रेजिस्ट होने का चांसेस होता है। ये मिल्क और मिल्क डेरिवेटेड प्रोडक्ट, नवान्नपान नया अन्न, जब नया अन्न हम लेते हैं तो उसमें रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसकी वजह से भी इंसुलिन रेजिस्ट होता है। गुड वेकृतम, तो गुड़ यानी कि मीठा, जब हमें सबको पता है कि ये मीठा पर ज़्यादा खाने से ये टाइप 2 डायबिटिक की शक्यता हो रही है। साथ साथ में आचार्य चरक ने बताया है आदिल बल प्रवृत्ति, आदिल बल प्रवृत्ति यानी कि हेरिडिटरी की वजह से भी, यानी कि फादर मदर को है, दादा को है, नाना को है, उनकी वजह से भी टाइप 2 डायबिटिक होने की शक्यता है। तो हमने यहाँ इंसुलिन कैसे रजिस्ट होता है उसके हमने कारण यहाँ हमने देखे हैं, लेकिन अब जाके इंसुलिन को सेंसिटिव कैसे करना है, द डायबिटिक रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कैसे काम करता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके अंदर फेस 1 रहता है, तो पहले फेस में हम यही कोशिश करेंगे कि ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में आ जाए और उनकी गोलियां है और इंसुलिन है वो चलता रहे। फेस 2 के अंदर उनकी जो टेबलेट मेडिसिन से और इंसुलिन से वो रिड्यूस हो जाती है या कम्प्लीटली बंद हो जाती है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में, ये फेस 2 है। फेस 3 इसे हम कहते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल है वो भी कंट्रोल में रहेगा, मेडिसिन बिल्कुल क्लोज हो जाएगी और HbA1c 5.8। फोर्थ स्टेज ये है हमारा कि ब्लड शुगर कंट्रोल, मेडिसिन क्लोज, मेडिसिन बंद, HbA1c 5.8 और GTT यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट पास, यानी कि 75 ग्राम रो ग्लूकोज खिलाते हैं, उसके बाद उनका आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटे का रिपोर्ट लेते हैं और वो रिपोर्ट जो नॉर्मल कंडीशंस में यानी कि 150 से नीचे रहता है तो उसको GTT पास कहते हैं। और आज हमने करीबन बहुत सारे पेशेंट है उनका GTT भी हमने पास करवा लिया है। और पांचवा जो हमारा फेस है, टाइप 2 डायबिटिक की वजह से जो दूसरी साइड इफेक्ट हुई है, यानी कि न्यूरोपैथी ले लीजिए, रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी, हाई BP हो गया, कार्डियक प्रॉब्लम हो गया, वो सबसे कम्प्लीटली रिवर्सल यानी कि पुनः जन्म, ऐसी तरह से बेनमून ने द डायबिटिक रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल है उसको ये 5 पैमानों पे हमने रखा हुआ है। उसका हमने 3 प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। 3 प्रोटोकॉल में पहला क्या है, आयुर्वेद के सिद्धांत पे ही हमने बनाया है। पहला है आहार कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। उसके बाद है विहार कि दिन भर में कितनी एक्सरसाइज करनी है और कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और औषध यानी कि आयुर्वेदिक की जड़ी बूटी से बनाया हुआ हमारा बायोबिटिक सिरप, बायोबिटिक हमारा पाउडर और बायोबिटिक हमारी टेबलेट। हमने अभी तक बहुत सारे लोगों को ये रिवर्सल कर लिया है, तो आइए देखते हैं। ये टेस्टिमोनियल मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं स्लाइड में आपको बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने ये GTT क्लियर किया हुआ है, ब्लड शुगर कंट्रोल में आ गया है, मेडिसिन भी क्लोज है और जिन लोगों ने ये HbA1c 5.8 आ गया है, इसकी स्लाइड भी मैं आप देख सकते हो स्क्रीन पे। जो आप भी ये डायबिटिक का जो आप रिवर्स करना चाहते हैं तो बेनमून की ये मुहिम के साथ जुड़िए और नीचे दिए गए हमारे नंबर है उसके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या ईमेल भी हमें कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि जिस बीमारी से आप जीवन भर जूझने वाले थे, जिसकी वजह से आप कई और रोगों के शिकार बनने वाले थे, इससे छुटकारा पाने का आयुर्वेदिक इलाज डॉक्टर दिनेश काचा ने आपके सामने रख दिया। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दिनेश काचा ने छिड़ी इस मुहिम के साथ आप भी जुड़ जाइए
और आपके मित्र और परिजनों को भी डायबिटीज मुक्त बनाइए। हम रुकेंगे नहीं तब तक जब तक डायबिटीज का देश निकाल ना हो जाए। बेनमून आयुर्वेदा प्रस्तुत डायबिटीज रिवर्सल थ्रू आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल।